तो जब भी कोई ऐसा वर्स सिनारी होता है तो इसमें आपकी कंपनी की कॉल होती है कि आपकी कंपनी क्या कॉल जैसे मेरी कंपनी मेजर हमारे भी शिप्स से जाते हैं गैस टैंकर के तो इवन मैंने भी पास किया था जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में था कि मैंने सो इसकनाल पास किया था और इवन गैस टेंगर्स तो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं तो मतलब अगर एक मिसाल अगर कोई गैस टेंगर को हिट करती है तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब का इफेक्ट क्रिएट करता है और हमारी कंपनी हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग जैसे कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है मैं उनको बता दूँ कि आई एम थर्ड इंजीनियर रोहित चोपड़ा And I'm sailing on gas tankers topic ship At the bottom of Africa An expensive and time consuming venture Instead some vessels are looking to bolster security So stay tuned for more information I'll be back And I'm sailing on gas tankers Today's topic बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का टॉपिक है हुतीस के बारे में आज का टॉपिक है हुतीस के बारे में और शिप कैप्चर के बारे में जो कि आजकल का बहुत एक मेजर इवेंट बना हुआ है अब सर्कल में और लाइफ में अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखोगे तो आप उस पर यही देखोगे कि रेड सी में कैपसाइज हो रहा है शिप या फिर शिप के ऊपर मिसाइल अटैक हो गया है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ है या सो so जैसे कि आजकल की न्यूज़ चैनल में चल रहा है हमने देखा है कि लास्ट अक्टूबर से ये मतलब 2023 के अक्टूबर से ही वो सिचुएशन होनी स्टार्ट हो गई जब वॉर हुआ इसराइल और गाज़ा के बीच में जहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं लेडीज़ भी सफ़र कर रही है जब से मतलब मैं शिप से आया हूँ तब से मैं यही न्यूज़ सुन रहा हूँ और ये न्यूज़ और ज़्यादा वर्स होती गई जब शिपिस के ऊपर भी अटैक होना स्टार्ट हुआ शिप को कैप्चर करना स्टार्ट किया गया शिप को मिसाइल अटैक के थ्रू डैमेज किया गया तो अटैक होना स्टार्ट हुआ वो बहुत सारे मेजर शिप्स के ऊपर अटैक हुआ जिसमें सारे के सारे इंक्लूड थे चाहे वो कंटेनर शिप हो चाहे वो बल्क एरिया शिप हो चाहे वो टैंकर शिप हो चाहे फिर वो रोरो शिप -रो हो जिसको कैप्चर कर लिया गया था बहुत फेमस इवेंट हुआ था ये कैप्चरिंग का जिसको पूरे इंटरनेट पर जो वायरल हो गया था कि आपने देखा होगा कि वो हेलीकॉप्टर से आए होते हैं जन उन्होंने कैप्चर किया शिप को चलते हुए सारे के सारे क्रू मेंबर को उन्होंने हाईजेक करके वहाँ पर फिर लोग विजिट भी करने लगे उसको म्यूजियम की तरह ट्रीट करने लगे शिप को तो ये सारी चीज़ें हुई अब हुतीस हैं कौन बेसिकली वो यमन में रहने वाले रिवेल्स हैं जो कि अपने लिए और लड़ रहे हैं उनका कहना है कि वो लड़ रहे हैं पेलस्तान के लोगों के लिए और उनके लिए ताकि पेलस्तीन में जो वॉर सिचुएशन हो रही है जो गाजा जो इसराइल ने अपना सारा का सारा ट्रेड रोका हुआ है गाजा में जाने के लिए या जो भी सीज़ फायर चल रहा है इसराइल की तरफ से वो रोकने के लिए फूड सप्लाई को स्टार्ट करने के लिए सारा का सारा फायर रोक दे ये होती इसकी तरफ से डिमांड आ रही है जो कि इसराइल की गवर्नमेंट के लिए है और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती रही मतलब पाँच महीने में बहुत से लोग अपनी लाइफ खो चुके हैं ऑलरेडी और बहुत सी ट्रेड और बहुत से बच्चे अभी भी आप न्यूज़ में देखोगे तो इवन बहुत दुख होता है कि अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे बच्चे भी जिसमें सफ़र कर रहे हैं चाहे वो गाजा के हो चाहे फिर वो इसराइल के हो जिन जो शिपिंग का ट्रेड होता है बेसिकली एशिया को यूरोप से जोड़ता है हमारा रेड सी जो कि स्टार्ट होता है गल्फ ऑफ एडन से गल्फ ऑफ एडन के बाद आता है बाब एल मंडेब जो कि स्ट्रेट है उसके बाद आती है रेड सी रेड सी से स्टार्ट होके हम जाते हैं स्विस कैनाल की तरफ स्विस कैनाल एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ था एवर गिवन शिप का जहाँ पे एक कार्गो शिप कंटेनर शिप जो कि फर्स्ट गया था स्टक हो गया था एवर गिवन शिप तो ये वाला इवेंट गिवन शिप वहाँ पे स्टक हो गया था तब से वो स्विस कनाल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और ये स्विस कैनाल है जिससे आप होके अपने एशिया से जाते हुए यूरोप की तरफ मतलब हमें अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप से नहा जाके हमें जाना होता है एशिया से स्विस कैनाल स्विस कैनाल से आप सीधा यूरोप में ट्रांसफर करते हो और आपका शिप ऊपर की तरफ से जाते जाते एक तरह का शॉर्टकट है जब ये सिचुएशन उन्होंने स्टार्ट की स्टार्टिंग में कुछ नहीं था बट धीरे देर धीरे उन्होंने शिप को कैप्साइज करना स्टार्ट किया मिसाइल अटैक बाय हुथी रेबल्स ऑन अ कमर्शियल शिप इन द गल्फ ऑफ एरिन ऑन वेडनेसडे किल्ड थ्री ऑफ इट्स क्रू मेंबर्स एंड फोर्स सर्वाइवर्स टू अबैंडन द वेसल इट वाज द फर्स्ट फेटल स्ट्राइक इन अ कैंपेन ऑफ असॉल्ट्स बाय द इरानियन बैक ग्रुप ओवर इजराइल्स वॉर और हमासिकार्गो एक, एक बल्क शिप था जिस पे अटैक किया गया था और बल्क शिप पे अटैक होने के बाद तीन लोगों ने अपनी तीन क्रू मेंबर ने अपनी लाइफ खोई चार अभी भी इंजर्ड हैं और उससे एक दिन पहले उन्होंने एक बल्क कैरियर को हिट किया जिसको रेस्क्यू किया यूएस नेवी ने और इंडियन नेवी ने इंडियन नेवी ने वहाँ से 21 क्रू मेंबर को रेस्क्यू किया जिसमें कि थे वियतनामीज फिलिपिनोस एंड एक इंडियन से एक दिन पहले भी होती विद्रोहियों ने लाइबेरिया के एक जहाज पर ड्रोन से अटैक किया था यह हमला भी अदन की खाड़ी में किया गया था जिसका भारतीय नौसेना ने मुहतोड़ जवाब दिया था भारतीय नौसेना की तरफ से इस जहाज की मदद के लिए आईएनएस कोलकाता आगे आया और उसकी टीम ने हमले के बाद जहाज पर लगी आग बुझाई तो रखा गया तो आईएनएस कोलकाता एंड कोल यू के वॉरशिप ने ये सर्वाइवर्स को बचाया जो 21 क्रू मेंबर थे और शिप्स से एक मैसिव लेवल पे कि मर्चेंट नेवी शिप्स को भी अब सारे के सारे, सारे सबको रूट अपना चेंज करने के लिए बोल दिया गया कुछ कुछ कंपनीज हैं जो भी सोच रहे हैं कि नहीं हम आर्म गार्ड्स रखेंगे तो हमें हेल्प मिल जाएगी हम सेम रूट पे जाएंगे बट आर्म गार्ड्स की हेल्प से भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर ड्रोन अटैक भी हो रहा है और मिसाइल से भी अटैक हो रहा है तो आप दोनों तरफ से मतलब बिल्कुल कहते हैं कि दोनों तरफ तो सबको घेरा हुआ है तो शिप कहीं से नहीं बच सकता क्योंकि बेसिकली शिप के ऊपर कोई वेपन्स नहीं होती जो हमारे पास वेपन्स होती हैं वो एक तरह से आर्म गार्ड से लेके आते हैं जब कोई भी आप एच एरिया क्रॉस करते हो सोमालिया हो चाहे फिर वो अब रेड सी का एरिया हो जैसे यमन और इजिप्ट दोनों तरफ तो वहाँ से हुतीज अटैक कर रहे हैं तो बेसिकली आपको वहाँ से बचाने के लिए आपके पास सिर्फ़ आम गार्ड्स होंगे जो कि इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे अब तभी सारा का सारा ट्रेड अब गुड केप ऑफ गुड होप से जा रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ रही है चार्टा को भी प्रॉब्लम हो रही है शिप ओनर्स को भी प्रॉब्लम हो रही है कंज्यूम तो करेगा शिप आपका ज़्यादा उसमें जब आप दस दिन एक्स्ट्रा टाइम लोगे और जो फिफ्टीन परसेंट ऑफ ट्रेड है वर्ल्ड का वो पास होता है हमारा बेसिकली स्विस कनाल के थ्रू जो कि एक मेजर रोल प्ले करती है आब एल मंडेव जो स्ट्रेट है उसके बाद आते हैं रेड सी और रेड सी के बाद आता है स्विस कनाल तो जो सारे के सारे हमारे शिप्स क्रॉस करते हैं वो स्विस कनाल के थ्रू ही क्रॉस करते हैं और जब ऐसा सिनारियो होता है तो बेसिकली कंपनीज़ आपको एच एरिया के लिए प्रोवाइड करती है आर्म गार्ड्स जिनका मेजर रोल होता है कि आपको एच एरिया से बेसिकली क्रॉस करवाना अब जब ये सीनारी स्टार्ट हो गया है जब लाइबिलिटीज़ बढ़ गई है कंपनी के ऊपर जब वो और ज़्यादा रिस्क ले रही है तो इसमें आपके शिफ्ट की पॉलिसी भी डेफ़िनेटली आपकी पॉलिसी जैसे हम प्रीमियम भरते हैं तो हमारी पॉलिसी के टर्म्स अलग अलग होते हैं जिस तरह का रिस्क होता है अगर कोई बाइक ऑनर है तो उसकी प्रीमियम आई थिंक ज़्यादा होगी एक कार ओनर की प्रीमियम से एज़ कंपेयर करेंगे तो बाइक की प्रीमियम ज़्यादा होगी इंश्योरेंस की एज़ कम्पेयर टू कार क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है वैसे ही अब शिप्स की भी प्रीमियम ज़्यादा होने लगी है इंश्योरेंस कंपनीज ने अब अपने रेट्स ऊपर कर दिए इसके साथ साथ जब मोशन नेवी में कभी भी कोई ऐसा सिनारी होता है तो आपके पास जो भी नेवल बेस या जो भी नियर बाई कंट्रीज़ होती हैं वो फोर्सेस आपकी हेल्प करती हैं बट स्पेशली आपकी जो फ्लैग स्टेट है वो इन्वॉल्व होती है उसके साथ साथ पोर्ट स्टेट भी आपको हेल्प करती है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फिर हर कोई ये चाहेगा कि नहीं मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए तो मैं एच एरिया क्रॉस करूँ डेफिनेटली कोई नहीं चाहता ये चीज़ और आज के टाइम में भी बहुत सारे सी फेयर हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें एच आर एरिया में नहीं जाना और कंपनीज अवॉइड ही करती हैं कि एच आर एरिया के थ्रू जाएँ अगर जाते भी हैं तो वो बेसिकली आर्म गार्ड्स को रखते हैं शिप के ऊपर और इस सिनारियों में जो कि हुतीस के थ्रू बोला जा रहा है कि हम एक बस खाली इसराइल को डिस्टर्ब करने के लिए क्योंकि गाजा के ऊपर अटैक हो रहा है वहाँ पर फेलस्तीन के लोग उनको प्रॉब्लम हो रही है उनकी फैमिली सफ़र कर रही है तो इसलिए हम इसराइल के लिए कार्गो रोक रहे हैं बट बेसिकली सारा का सारा कार्गो जो 95 परसेंट ट्रेड है वो शिप, पीस के थ्रू होता है और शिप जाते हैं स्वस कैनाल के, के, के थ्रू तो बेसिकली वो सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो एक ही कंट्री को इफेक्ट नहीं कर रहे इसराइल को वो वो सारी नेशनलिटीज को इफेक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे शिप को इफेक्ट कर रहे हैं नो मैटर कि कौन सी कंट्री का शिप है वो बोलने के लिए कह रहे हैं कि हमने बस इसराइल के शिप्स को अटैक किया बट उन्होंने शिप्स सारे के सारे अटैक किए हैं तो जब भी कोई ऐसा वर्स सिनारी होता है तो इसमें आपकी कंपनी की कॉल होती है कि आपकी कंपनी क्या कॉलीरेप जैसे मेरी कंपनी है मेजर हमारे भी शिप्स जाते हैं गैस टैंकर के तो और इवन मैंने भी पास किया था जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में था कि मैंने स्विच कनाल पास किया था और इवन गैस टैंकर्स तो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं तो मतलब तो अगर एक मिसाल अगर कोई गैस टैंकर को हिट करती है तो वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब का इफेक्ट क्रिएट करता है और हमारी कंपनी ने स्पेशली नोटिस कर दिया है कि अब हमारे शिप्स इस कनाल के थ्रू नहीं जाएंगे जब तक ये सीनारियों है हमारे सारे के सारे शिप जा रहे हैं गुड होप के थ्रू मतलब साउथ अफ्रीका के नीचे से हम जाएंगे और जहाँ पर रिस्क फैक्टर नहीं है बट आपकी अल्टीमेटली आपकी लाइफ आपका कार्गो आपकी इन्वायरमेंट ये तीनों चीज़ें आपकी सेफ़ हैं आपकी लाइफ आपका कार्गो आपका इन्वायरमेंट सेफ़ है और इसी को देखते देखते कंपनी ऐसे प्रोटोकॉल्स रखती है कि जिसमें किसी भी पर्सनल की लाइफ रिस्क में ना हो एन्वायरमेंट रिस्क में ना हो कार्गो रिस्क में ना हो आप ईजली जाओ तो ये सारी पॉलिसीज़ अब चेंज हो रही है कंपनीज़ में बाकी सारी की सारी गवर्नमेंट अभी भी इनिशिएटिव ले रही है रुक जाएँ ईज़िली और जल्दी से जल्दी ये मैटर सॉल्व किया जाए ताकि ईजिली ताकि, ताकि सारी शिप्स ट्रेड करना फिर से स्टार्ट कर दे सो इसका के थ्रू आई दी एंड हमें ट्रेड करना भी है और हमें ऑन टाइम ट्रेड चाहिए भी क्योंकि कार्गो शिप्स में आपके चाहे वो गुड्स हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे वो आपके व्हीकल्स हो चाहे फिर वो आपके बल्क में चाहे शुगर हो चाहे वो आयरन और हो चाहे वो आपके गैस हो ये चीज़ें ऐसी हैं जो यूरोप में बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती हैं अब जैसे ठंड थी तो यूरोप में गैस की डिमांड ज़्यादा होती है अब व्हीकल्स हैं वो सबकी डिमांड है स्पाइसेस हैं वो सबकी डिमांड है ऑयल है वो सबकी डिमांड है।, है।, है, है तो ये चीज़ें वो हैं जो आपको चाहिए होती है कंज्यूमर को और इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से सारा का सारा ट्रेड इफेक्ट कर रहा है और मोर्चा ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ट्रेड को करने के लिए जो कि अब इफेक्ट में आ चुके हैं इस सुनारी में तो ये वीडियो थी बेसिकली बताने के लिए कि कैसे कंपनी सभी अपना रोल कर रही हैं पॉलिसीज चेंज हो रही हैं कैसे कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी डेफिनेटली अगर आपके शिप को हिट कोई मिसाइल करती है तो वो इंश्योर इंश्योरेंस जैसे हम कार के लेते हैं वैसे ही शिप की इंश्योरेंस होती है तो वो भी कवर्ड होता है बट अब प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो गया यू एस एंड यू के बेस्ड जो शिप्स थे हूतीस ने कहा था कि हम उनको अटैक कर रहे हैं बट उनको भी अटैक ना करके वो सारे के सारे शिप्स को बेसिकली अटैक कर रहे हैं और ये सिनारी वर्स्ट हो रहा है जहाँ तक की रिपोर्ट है जो मेरे दोस्त हैं जो कि अब शिप्स में हैं अब उनको वो डर है कि उनकी कंपनीज ने अभी किसी की कंपनी बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं जिन्होंने ये स्टेप लिया है कि नहीं वो अभी भी कह रहे हैं कि हम स्विस कनाल के थ्रू ही क्रॉस करेंगे रेड सी को ही मतलब शिप्स क्रॉस करते हैं स्विस कनाल को और बाई दी एंड उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा क्योंकि शिप्स क्रॉस नहीं कर रहे और बहुत हेफ्टी अमाउंट दी जाती है जो स्विस कनाल को क्रॉस करने के लिए मैंने बताया है। एक लाख से लेके चार लाख डॉलर तक दिए जाते हैं एक शिप को क्रॉस करने के लिए स्विस कनाल की तो स्विस कनाल को अगर क्रॉस नहीं करोगे तो स्विस कनाल के पास की जो कंट्री है मतलब बेसिकली इजिप्ट उनकी ना कोई कमाई होगी ना उनके लिए कोई रेवी रेवेन्यू उनके लिए जनरेट हो रहा है तो सो इस कनाल की बेसिकली एक रेवेन्यू जनरेशन जो है वो डिपेंड करती है शिप्स के ऊपर और अगर वो नहीं हो रही तो रेवेन्यू कोई जनरेट नहीं होगा सोच मैटर कर रही हैं अभी तक 40 से ज़्यादा शिप्स हैं जिसके ऊपर हमला हो चुका है मतलब जिसके ऊपर होतीज़ ने अटैक किया है 40 से ज़्यादा शिप्स हैं और अब ये काउंट डाउन चल ही रहा है आई होप ये चीज़ कम हो और जल्दी से कंट्रोल में आए आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या सोचते हो कैसे कंट्रोल किया जाए इस चीज़ को और कंपनी खुद नहीं चाहती कि उनका एक बिलियन डॉलर का शिप इस चीज़ में अटक के खुद वो अपना कार्गो या अपना शिप की वैल्यू और चार्टर का कार्गो वो वहाँ पे इतना वो उनका लॉस हो जाए तो वो भी नहीं चाहती इसलिए वो लंबा रूट ही प्रेफर कर रहे हैं जो कि एक, एक ही ऑप्शन है उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल